सिस्टर का नाम मनप्रीत है और जो जवाहर नगर के रहने वाले हैं। और जो सिस्टर की गवाही जे है जो बताते कि जो इनके हस्बैंड है वो दो ब्रदर हैं और जो इनकी सास ससुर जी हैं। कुछ समय पहले जो सिस्टर ने बताया कि इनके घर की जो इनका घर को बांट दिया गया था दो हिस्सों में और जो इनके बड़े ब्रदर इन लॉ थे जो उनके हिस्से में जगह आती थी उनको दे दी और जो बाकी की प्रॉपर्टी थी जो इनके हस्बैंड के नाम थी। तो जो सिस्टर बता रहे कि ऐसे इनकी जो नंदन थी सिस्टर इन लॉ वो मैरिज से कुछ समय से इनके पास ही रहती थी और वो कहती थी कि जो जितनी भी जगह इनके हस्बैंड के पास थी वो सारी मेरे नाम हो जाए और क्योंकि जो इनके सास ससुर जी वो भी मेरे साथ ही रहेंगे। पर इसके कारण जो सिस्टर काफ़ी परेशान हो गए। जो सिस्टर बताते थे कि ऐसे तो मैं जैसे रेंट पर रहने के समान हो जाऊंगी और जो परेशान थे और जैसे जो सिस्टर ने प्रेयर टावर में कॉल की और जो बताया कि मैं ऐसे परेशान हूँ मेरी जो प्रॉब्लम है और मेरे हिस्से में ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा और मेरे जो हस्बैंड है क्योंकि इनकी जो सिस्टर नंदन थी उन्होंने बोल दिया था अपने भाई को कि जी सारी जगह मेरे नाम कर दो और इनका जो हस्बैंड था वो भी मान गया था पूरी जगह देने के लिए वो तैयार हो गया था। और जैसे जो परेशान थे और इन्होंने प्रार्थना की प्रेयर टावर में कॉल करवाई इनको उत्साहित किया गया और जो सिस्टर बता रहे कि इन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू की और जैसे हम वर्शिप सॉन्ग इन्होंने सुना था कि जैसे कि जो यहोवा मेरे घर को बनाए रखेगा और जिस वर्शिप सॉन्ग को लेकर अपने मन में प्रार्थना करते रहे अन्य भाषा में। और जो सिस्टर बता रहे कि जैसे जो प्रार्थना कर रहे थे और इनके हस्बैंड और इनकी जो फैमिली थी वैसे कचहरी में गए और जैसे काउंसलर के पास गए उन्होंने ऐसे उनके ऐसे बताया कि जो जगह है ऐसे मैं अपनी सिस्टर को देना चाहता हूँ। पर जैसे उन्होंने बताया कि जो जगह है वो आपके पास रहेगी, अगर आपकी सिस्टर को जगह चाहिए तो आप घर के बाहर ऐसे लेकर दो क्योंकि ये जगह आपकी है और आपके पास ही रहेगी। और जैसे उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने सबके मन को बदला और जो सिस्टर बहुत खुश हुए कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और जितनी भी जो प्रॉपर्टी थी वो आज परमेश्वर ने इनके हिस्से में है, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया इस घर के साथ और ये बहुत खुश। प्रॉपर्टी कितने लाख की थी? सामने देखो, प्रॉपर्टी कितने लाख की? हाँ जी, आपकी जो मकान है आपका जो घर वो कितने लाख का था? किसके नाम का था? नहीं, कितने लाख, मतलब कितने लाख? 18 लाख। 18 लाख थी प्रॉपर्टी सी कर दी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सारा घर आपका और आपके हस्बैंड? हाँ जी, सर दासी। जो आपका एक जो जेठ है जो? हाँ जी, उन्होंने भी 18 लाख दा दे दिता गया ऐसे अलग मकान। उन्होंने अलग देता सी ते ये तोड़े पति नु देता सी। हाँ जी, पर तोड़े विचो तोड़े ननन दिया। हाँ जी, हाँ जी। तोड़े जो सास सौरा की केंदे सी वो केंदे सी के वो आके केंदे सी के सास सौरा ही बोल दे सी ते ननद ने मतलब उत्साहित कर दिता उन्होंने कि मतलब मेरे नाल लगा दो मैं तानू मतलब रोटी दवांगी सांभांगी तानू ते ऐ चीज उन्होंने मन विच भर दित्ती उन्होंने ते मेरे हस्बैंड नू भी उन्होंने अपने मगर लगा लिया ते वह भी बोलते पे कि तुसी साडा 3 मंजिली मकान बनया है ते तुसी सेंटर च रहिंदे पे मतलब विचकारली मंजिल च तो वो बोलते कि ये मतलब विचकारली मंजिल च रहेगी और जेड़ी जगह वा वह मतलब बेटी दे ना हो जाएगी। तो इस तरह फिर मेरे मन में आया कि मैं तो एक किराएदार हो जाऊंगी तो मैंने जो मर्जी मतलब कढ़ देगी घरों सानू दोवे जीआं नू घरों कढ़ सकती है। इसलिए फिर मैं प्रभु घड़ी प्रार्थना की कि परमेश्वर एवें नहीं मतलब जो ही कि तू भोलियां दा राखा है और मेरे पति भोले ने और इन्हों मगर ला दिता गया तो तुसी मतलब मेरी प्रार्थना सुन चुके हो और मैं अन्य भाषा च प्रार्थना करती रही और परमात्मा ने। और एक चीज नोट करो, इन दिनों में हमने ट्यूसडे एक मीटिंग की थी ना, ट्यूसडे क्या की थी मीटिंग की सी पवित्र आत्मा के विषय, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं और जो लोग गैर भाषा नहीं करते, जिनके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं है और वो गैर भाषा नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मन से प्रभु को अपना उद्धार करता माना है, क्या माना है, मन से यीशु को अपना मुक्तिदाता माना है, उनके पास आत्मा नहीं है पर उसकी नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए परमेश्वर का मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश हो। समझ आ रही है? हमने ट्यूसडे इसी चीज के ऊपर मीटिंग की थी, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है जो गैर भाषा नहीं करते। और इस संडे पिछले मैंने बहुत से लोगों को मीटिंग खत्म होने के बाद बुलाया था, बहुत लोग आगे आए थे, कम से कम 100 से भी ऊपर लोग थे, पर वो सब तो नहीं पहुंच पाए। क्या नहीं है? सब नहीं पहुंच पाए। इसीलिए प्रभु ने कहा मार्ग संकरा है,
हाँ औखा कुछ नहीं है, मगर सब पहुंच नहीं पाए। हो सकता आप में से भी कितने लोग तकलीफ में हो, हालात हो, उनका काम ना हो रहा, पर इसके पास आत्मा था। क्या था? क्योंकि वो हमारा मददगार है। क्या है हमारा? वो आत्मा हमारा मददगार है। और इसने उस मददगार से मदद लेने के लिए क्या किया? उस भाषा में, ख्यार भाषा में अपनी उस चीज के लिए प्रार्थना करती रही, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर से सिफारिश करता है, किसका? ये चीज करो। क्या करो? इसकी ये चीज करो। लिखा शरीर दुर्बल है मगर जो आत्मा दिया गया आपको वो दुर्बल नहीं। आमेन। शरीर दुर्बल है, आत्मा दुर्बल नहीं। समझ आ रही है? और उस मददगार को जब इन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया, उस नियम से अन्य भाषा में, गैर भाषा में जब बातें करने लगी, तो जो घर बेघर हो जाना था, हाँ ये सच है कि वो सारा अगर उनके नाम हो जाता, हम आपको संभालेंगे, हो सकता कल को कहते चलो बात जाओ, समझे हूं, तो फिर कहां पे जाते क्या? पर सच में परमेश्वर महान है और वो अपने लोगों की चिंता करता है और उनके लिए वो सब कुछ पूरा करता है, जैसे इनके लिए किया। ये छोटी गवाही नहीं है, और तारीफ भी खुदा की छोटी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा यह गवाही छोटी नहीं है और खुदा की तारीफ छोटी नहीं होनी चाहिए। आमेन।